हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंडियन फूड चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि नकड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आइस टी सिखाने वाली हूं, जो कि बहुत ही यमी बनती है आइस टी। और फ्रेंड्स, आइस टी बहुत टाइम से, बहुत पुरानी आइस टी है, तो बहुत टाइम से लोग पीते आ रहे हैं इसे। ये बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं कि ये बहुत न्यू है, तो बहुत कॉमनली आइस टी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी आइस टी अलग अलग तरीके से सर्व की जाती है, अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। तो क्यों ना हम इसे घर में ईजिली तरीके से बनाया जाए। तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से आइस टी बनाना सिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, गर्मी आ चुकी है, समर आ चुके हैं, तो इसमें हम गर्म चाय के बजाय आइस टी पिएं तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको चार तरीके से आइस टी सिखाऊंगी, ठीक है? तो पहली है ग्रीन आइस टी। ये ग्रीन टी है, ये ग्रीन टी की लीव्स हैं, ग्रीन टी है ये। आप चाहे तो ग्रीन टी बैग्स आते हैं वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास खुली ग्रीन टी है तो आप खुली ग्रीन टी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ खुली ग्रीन टी ली है। आप टी बैग भी ले सकते हैं, ग्रीन टी बैग, ठीक है? और ये है चाय पत्ती, नॉर्मली जो घर में चाय पत्ती होती है वो है। ये है शुगर, ये है लेमन, लेमन स्लाइसिस हैं, नींबू। ये है मिंट यानी पुदीना। ये है जिंजर यानी अदरक। ये है सिनेमन यानी दालचीनी। और आइस, ठीक है? तो हम आइस टी बना रहे हैं तो आइस चाहिए हमें, और वाटर भी चाहिए। तो चार तरीके से सिखाऊंगी। पहला है ग्रीन आइस टी, सेकंड है लेमन आइस टी, थर्ड है मिंट आइस टी, एंड फोर्थ है जिंजर एंड सिनेमन आइस टी। इन दोनों की एक ही बनेगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आइस टी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरा ले लिया जिसमें हम आइस टी बनाएंगे। इसमें हम वाटर डालेंगे, वाटर ले लिया है मैंने, गैस फ्लेम हाई कर दी है। अब हम इसमें चाय पत्ती है यानी कि जो नॉर्मल टी है, टी डालेंगे हम। ये लगभग मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग कलर नहीं आता, आप स्ट्रॉन्ग पीना पसंद करते हैं, तो आप और चाय पत्ती डाल सकते हैं। अगर आप लाइट कलर पसंद करती हैं, लाइट पीना, लाइट फ्लेवर पसंद है, तो कम चम्मच डालें। कलर अच्छा आना चाहिए और अच्छी खुशबू आनी चाहिए। इस हिसाब से मैंने लगभग 1.5 टेबल स्पून चाय पत्ती डाल दी है। देखिए इसका कलर भी आना शुरू हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से बॉयल करेंगे। तो हम ये मिंट आइस टी बनाने वाले हैं। सबसे पहले मिंट आइस टी बना रहे हैं। इसके लिए मैंने पुदीना लीव्स वॉश करके डाल दिए हैं। मिंट जो है, पुदीना हमने डाल दिए इसके अंदर। अब हम इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे, अच्छे से पकने देंगे, कुक होने देंगे। कम से कम 1 से 2 उबाल आ जाए अच्छे से। इसमें पुदीना का फ्लेवर अच्छे से आ जाए, इतना हम उसे उबाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए अच्छे से उबाल आ चुका है। एक बार और अच्छे से उबाल दिलवा देंगे ताकि इसमें मिंट का अच्छा सा फ्लेवर, चाय पत्ती का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, अच्छा सा कलर आ जाए। तो फ्रेंड्स, उबाल आ चुका है और अच्छे से ये फ्लेवर मिंट का आ चुका है, इसके अंदर खुशबू आ रही है। अब हम इसे गैस फ्लेम बंद कर देंगे और हम इसे छानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसे किसी मग में पोर करेंगे। ये हमारी मिंट टी तैयार है। इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पे होने देंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। ये हमारा डिकॉक्शन तैयार हो गया है, इसे हम एक साइड रख देते हैं और हम लेमन आइस टी की तैयारी करते हैं। हम लेमन आइस टी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पानी डाल दिया और चाय पत्ती डाल दी है। अब हम इसमें, ये हम लेमन आइस टी बना रहे हैं, अब हम इसमें लेमन स्लाइसेस डाल देंगे। एक बहुत है, आप चाहे तो 2 भी डाल सकते हैं, ज़्यादा आपको लेमन फ्लेवर पसंद है तो। एक से ही इतना अच्छा आ जाएगा क्योंकि हम
एक ग्लास बनाना है तो एक ही बहुत है, आप चाहे तो दो भी डाल सकते हैं, बाद में हम लेमन जूस भी डालेंगे। तो हम इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। तो फ्रेंड्स लेमन स्लाइसेस साथ में उबल रहे हैं, लेमन का जो एक्सट्रैक्ट है वो इस टी में आ जाएगा। अच्छे से उबाल आने दें, कम से कम दो उबाल आने दें, आप चाहे तो दो स्लाइसेस भी और डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अब अच्छे से उबल चुका है और काफ़ी बॉयल आ चुके हैं। अब हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है और लेमन भी दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसे किसी कैटल में पोर कर देते हैं या फिर किसी ग्लास में, जिसे नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए। तो ये भी एक साइड में रख देते हैं और हम दूसरी ग्रीन टी की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने ले लिया है, अब मैं इसमें पोर करूँगी जार में। ये हमारी लेमन टी है, देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका। अब हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर होने के लिए रख देते हैं, तब तक ये दोनों नॉर्मल टी नॉर्मल हो जाएंगे। ये दोनों आइस टी जो हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएंगी, मिंट आइस टी और ये लेमन आइस टी, ठीक है। तो तब तक हम ग्रीन टी की तैयारी करते हैं, ग्रीन टी बनाएंगे वो दूसरे कटोरे में बनाएंगे हम। ये जो लेमन टी है इसमें हम नींबू है, जो नींबू का रस लेमन जूस डालेंगे हम। ये देखिए हमने इसमें लेमन जूस डाल दिया है अच्छे से, ठीक है। अब हम इसको एक साइड रख देते हैं और हम और आइस टी की तैयारी करते हैं, फिर हम और आइस टी में आइस डालेंगे। फ्रेंड्स हमने ले लिया है दूसरा कटोरा, अब हम ग्रीन टी की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें मैंने वाटर डाल दिया है और हम इसे उबलने देंगे और खूब अच्छे से उबालेंगे, ताकि जब हम ग्रीन टी बैग या फिर ग्रीन टी डालें तो उसका अच्छा कलर आए। तो हम इसे बहुत ज़्यादा उबलने देंगे इस वाटर को, ठीक है। आपके पास ग्रीन टी, खुली ग्रीन टी नहीं है तो आप ग्रीन टी बैग भी ले सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से दो तीन उबाल आने देंगे, ताकि खूब अच्छे से उबल जाए, गर्म पानी हो जाए अच्छे से, ठीक है। ये पानी बॉयल हो चुका है, अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम गैस फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसमें ये जो ग्रीन टी लीव्स हैं वो डाल देंगे। लगभग मैंने एक बड़ा चम्मच डाला है, आपके पास अगर टी बैग है तो आप टी बैग डाल दें। और डालने के बाद आप इस तरीके से प्लेट से ढक दें, ताकि जो स्टीम में लीव्स, ये जो हर्ब्स हैं वो उसका कलर अच्छे से आ जाए, या फिर टी बैग है तो टी बैग डाल दें और इस तरह से ढक दें, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने पानी डाल दिया और चाय पत्ती डाल दी है। अब हम नेक्स्ट टी की तैयारी करते हैं, जिसमें हमें दालचीनी और सिनेमन वो हमने डाल दी है, और ये जिंजर है वो हमने डाल दी है। अब हम जिंजर और सिनेमन आइस टी की तैयारी कर रहे हैं, अब हम इसे उबाल आने देंगे दो तीन, ताकि इसमें जिंजर का एक्सट्रैक्ट और दालचीनी का फ्लेवर आ जाए इस आइस टी के लिए। तो अभी ये हम दो तीन उबाल आने देंगे इसके लिए हम। फ्रेंड्स एक मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगी, जितनी भी हमने टी बनाई है आप इनमें या तो जो शुगर है वो आप साथ ही साथ डाल दें, जैसे कि मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 2 टेबल स्पून, ठीक है। इसे हम साथ में उबलने देंगे, और या आप जो हमने मिंट टी और लेमन टी बनाई है उसमें आप चीनी डाल के, शुगर डाल के साथ में उबाल सकते हैं, या फिर जब आप बनाएंगे तब मैं आपको मिक्स करके दिखाऊंगी। ये मैंने इसमें चीनी डाल दी है, साथ में उबलने दूंगी, और उनमें मैं बाद में भी डाल के दिखाऊंगी आपको।
तो ये उबल रहा है। ये देखिए ये जो ग्रीन टी है, जो हमने ग्रीन टी छोड़ दी थी या फिर टी बैग डाल के छोड़ दें, तो जो छोड़ी थी ग्रीन टी, देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसे किसी कैटल में या ग्लास में पोर करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने जार में पोर कर लिया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये हमारी ग्रीन टी है, ये हमारी लेमन आइस टी है, और ये हमारी मिंट आइस टी है। लेमन आइस टी का कलर कितना लाइट है और मिंट आइस टी का कलर डार्क है, ठीक है। ये ग्रीन टी है, ये लेमन आइस टी है, और ये मिंट आइस टी है, ठीक है। तो अब जो हमारी जिंजर और सिनेमन की है, उसको भी हम किसी ग्लास में छान लेते हैं। इसमें हम ये जिंजर और सिनेमन आइस टी छान लेते हैं। और ये अभी थोड़ी गर्म है, इसे थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर होने देते हैं। तब तक ये तीन रेडी हैं। इसे मैंने शुगर डाली थी उबालते टाइम, और बाकी इन तीनों में नहीं डाली थी। तो अब हम इन तीनों में, अगर गर्म होती तो इन तीनों में हम ये डाल देते। अभी फ़िलहाल मैं शुगर पाउडर डालूँगी। फ्रेंड्स ये जो शुगर पाउडर है, ये हम तीनों में मिक्स कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये मिंट आइस टी है, इसमें हमने शुगर पाउडर मिक्स कर दी है। आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं शुगर। शुगर आपको तेज़ मीठा पसंद है तो आप तेज़ डालें, लाइट पसंद है तो लाइट डालें। हमने इन तीनों में नहीं डाला था, तो हम तीनों में शुगर पाउडर डाल रहे हैं। आप उबलते टाइम भी ये शुगर डाल सकते हैं। आई रिमाइंड इट, हम इसमें शुगर पाउडर डाल रहे हैं। इसका हल्का कलर है और ये मिंट वाली का डार्क कलर है। ये रेडी है। और जो ये इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी लेमन टी है, ये हमारी ग्रीन टी है। ग्रीन टी में हमने ग्रीन टी में शुगर पाउडर डाला था। अब हमें ग्रीन टी रेडी है, लेमन टी रेडी है, और ये मिंट टी रेडी है, ठीक है। जिंजर सिनेमन अभी हम ठंडा होने रखते हैं, तब तक हम इनकी तैयारी कर लेते हैं, इनको सर्व करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए खूब सारी आइस, क्रश्ड आइस भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी ये जो सिनेमन और जिंजर टी थी, वो हमारी ठंडी हो चुकी है, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो चुकी है। तो अब हम सबसे पहले मिंट आइस टी की तैयारी करते हैं। मिंट आइस टी के लिए हमें सबसे पहले खूब सारी क्रश्ड आइस चाहिए, या फिर आप नॉर्मल आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने आइस टी डाल दी है, वो आइस डाल दी है। अब हम इसमें आइस टी डालेंगे। तो हमने इस तरीके से पोर कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मिंट लीव्स गार्निश करेंगे। तो ये हमारी मिंट आइस टी रेडी है, ठीक है। अब हम सिनेमन जिंजर आइस टी की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। आप चाहे तो खूब सारी क्रश्ड आइस भी डाल सकते हैं। गर्मियाँ हैं, गर्मी में ठंडा ठंडा आइस टी पिए। इसमें मैंने अब जिंजर सिनेमन का डिकॉक्शन डाल दिया है, थोड़ा सा और आइस डाल देते हैं। तो ये हमारी दोनों रेडी हैं, मिंट आइस टी रेडी है, सिनेमन जिंजर आइस टी रेडी है। अब हम लेमन आइस टी की तैयारी कर रहे हैं।
इसके लिए मैंने आइस क्यूब्स ले लिए, और साथ ही साथ मैंने लेमन डाल दिया एक, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, आप चाहे तो और भी पीसेस डाल सकते हैं। और हम इस तरीके से इसमें पोर कर देंगे। देखिए इन तीनों का कितना अच्छा कलर आया है। और इस तरीके से हम ये लेमन स्लाइस इसमें गार्निश कर देंगे। ये हमारी लेमन आइस टी रेडी है, और ये आखिरी है ग्रीन टी। तो अब हम ग्रीन टी में क्रश्ड आइस डालेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम ये आइस क्यूब्स डालेंगे, ग्रीन टी रेडी कर रहे हैं अब हम। ग्रीन टी के लिए मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए, आप चाहें तो क्रश्ड आइस भी डाल सकते हैं। और अब मैंने इस तरीके से पोर कर दिया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो हमारी चारों आइस टी रेडी हैं। इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही यमी है फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके से आइस टी समर में ट्राई कीजिए। जैसा कि मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, ये है मिंट आइस टी, ये है लेमन आइस टी, ये है ग्रीन टी ग्रीन आइस टी, और ये है सिनेमन जिंजर आइस टी। तो फ्रेंड्स आपको ये चारों तरह की आइस टी कैसी लगी? आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है आइस टी। आप गर्मियों में समर में इस तरह की आइस टी पिएं, और यूजुअली ये बहुत कॉमन आइस टी हैं, रेस्टोरेंट में बहुत तरह की मिलती हैं। मैंने बहुत इजी वे में आपको घर में कैसे आइस टी बनाया जाता है वो मैंने इजीली वे में आपको सिखाया है। अगर आपको मेरी आइस टी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इंडियन फूड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट है, रेड कलर का बटन होगा वीडियो के नीचे, उसे क्लिक करें। उसके बाद एक बेल का आइकॉन होगा, उसे भी क्लिक करें, ताकि मैं नई वीडियो जो भी अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी नई वीडियो से अपडेट होते रहें। ओके फ्रेंड्स, और लाइक करने के बाद शेयर भी करें फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि वो भी इस रेसिपी को ट्राई करें। और कमेंट बॉक्स में कोई सजेशन, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ें। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।